नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एक बार फिर जीत की रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनावों में और बड़ी जीत हासिल करने के लिए नया प्लान बना रही है। वो किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ना चाहती। इसके लिए बीजेपी केवल चुनाव जिताओ उम्मीदवार पर दांव खेलना चाहती है, जिसको लेकर वर्तमान में बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा कि आगामी चुनाव में उस मौजूदा सांसद को टिकट मिल पाएगी या नहीं। बीजेपी फिर से चुनाव जीत सकने वाले सांसदों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में बीजेपी इस बार 5 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी कर रही है। हालांकि किन सांसदों पर ये गाज गिरने वाली है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो कुछ सांसदों का टिकट उम्र के फैक्टर की वजह से काटा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर सांसद ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे हैं। पार्टी की नजर ऐसे सांसदों पर बनी हुई है जो 2014 और 2019 में एक ही सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो कुछ सांसदों ने तो पार्टी आला कमान का रुख भाप कर आला नेताओं तक दौड़ लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं कई सांसद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर टिकट बचाने की कोशिश में लग गए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने इसी वर्ष 30 मई से 30 जून तक देश भर में एक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया था, जिसमें पार्टी के सभी सांसदों को एकजुट जाने को कहा गया था। पार्टी के कई सांसदों ने इस कार्यक्रम में पूरे मन से भाग लिया, जिसकी वजह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को वर्चुअली बैठक कर उन सांसदों को फटकार भी लगाई थी। यहां तक कि पीएम मोदी भी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में कई बार सांसदों को फटकार लगाते हुए ये कह चुके हैं कि या तो वो अपना रवैया बदलें या फिर बदले जाने के लिए तैयार रहें। बता दें, पिछले कुछ महीनों के दौरान देश भर में पार्टी संगठन द्वारा बैठक सहित कई अन्य महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं। उसमें भी कई सांसद पार्टी के उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटा पाए थे, जिस पर अब पार्टी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।